हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी लर्न वेल स्मार्ट न्यू सिलेबस, जो कि गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आया है, जिसमें आपको पढ़ना तो सारा कुछ वही है, परंतु आपके पढ़ने और सीखने के तरीके बदल जाएंगे। इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, वोकेबलरी, ग्रामर, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग सब कुछ मिलेगा। तो लेसन स्टार्ट करने के पहले एक स्टार्टर किट दी गई है। आप इस चित्र को देख रहे हैं। आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं कि ये कौन है? एक दर्जी है। दर्जी याने टेलर, दर्जी याने टेलर। और उसके पास कौन खड़ा है? एलिफेंट, एलिफेंट याने हाथी। तो दर्जी एलिफेंट को क्या कर रहा है? बनाना खिला रहा है ना। और यहाँ पर कौन है? एक बच्चा है। बच्चा एलिफेंट को क्या कर रहा है? सुई चुभो रहा है। सुई चुभोने पे एलिफेंट क्या करेगा? वहाँ से चला जाएगा। और अगली बार जब वो आएगा तो क्या करेगा? गंदा पानी ला करके, मड वाला पानी ला करके बच्चे को पनिशमेंट देगा। तो जो जैसा गलत करता है उसको उसका पनिशमेंट ज़रूर मिलता है। यही है हमारी एक सिंपल सी मॉरल स्टोरी। और इसी मॉरल स्टोरी के ऊपर हम आज के इस लेसन की स्टोरी भी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए मॉरल स्टोरी की जनरल रीडिंग करते हैं। An elephant and a tailor was very good friend. The tailor always gave him a banana to eat. One day the tailor fell ill. His son was sitting in the shop. तो एक हाथी और एक कपड़े सिलने वाला टेलर बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, और टेलर उसको हमेशा केले खिलाता था। एक दिन जब टेलर बीमार हो जाता है तो उसका लड़का दुकान में बैठा रहता है। द एलिफेंट केम देयर एज यूजुअल। ही पुट हिज ट्रंक इन टू द शॉप फॉर बनाना। तो उस दिन भी हाथी आता है। हाथी आ करके अपनी सूंड आगे बढ़ाता है बनाना के लिए। बट द टेलर सन पिक्ड ए नीडल इन टू हिज ट्रंक। और टेलर का बच्चा उसकी सूंड में सुई चुभो देता है। द एलिफेंट फेल्ट पेन। एलिफेंट को बहुत दर्द होता है। ही ड्रू बैक। वो वापस जाता है। ही वेंट टू द पॉन्ड। वह एक तालाब में जाता है। ही फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर। उससे वो एक गंदा पानी की कीचड़ वाला पानी लेता है अपनी सूंड में। ही केम बैक टू द टेलर शॉप। वो टेलर की दुकान में आता है। ही थ्रू द मडी वाटर ओवर द टेलर सन। और उसके बेटे के ऊपर डाल देता है। दस द एलिफेंट हैड हिज रिवेंज। और इस प्रकार से हाथी अपना बदला लेता है। तो जब आप किसी के साथ गलत करते हैं तो उसका बदला सामने वाला ज़रूर लेता है। इसी मॉरल को लेकर के हम आगे की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आ ग्रीडी बार्बर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडी, जो कि स्टोरी है।